गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जमशेद स्टाइल ब्लॉग। सो गाइज आज की स्पीड में बात करने वाला हूँ इंडिया की टू बेस्ट अपकमिंग बाइक के बारे में जो कि कंफर्म हो चुकी है इंडियन मार्केट में आने के लिए। तो गाइज आज की स्पीड में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी बाइक है जो कि इंडियन मार्केट में आने के लिए कंफर्म हो चुकी है और बहुत जल्द इंडियन ट्यूनर मार्केट में आपको देखने को मिलने वाली है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इंडियन ट्यूनर मार्केट में आने के लिए जो दो बेस्ट बाइक के कंफर्म हो चुकी हैं उनमें से जो दो बाइक हैं, लाइक सबसे पहली जो बाइक है वो यामा XSR 150 बाइक है जो कि इंडियन ट्यूनर मार्केट में बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो गाइस इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ कि क्या क्या न्यू फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस बाइक के इंजन डिटेल्स के बारे में, जो कि आपको मिलने वाला 155.1 cc लिक्विड क्यूलेट सिंगल सिलेंडर फ्यूल सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन के साथ देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ इस बाइक के मैक्सिमम पावर के बारे में, जो कि आपको मिलने वाला है 19.3 hp विद 10,000 rpm के साथ देखने को मिलने वाला है। साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ मैक्सिमम टॉर्क के बारे में, जो कि आपको मिलने वाला है 14.7 nm विद 8,500 rpm के साथ देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस बाइक के नंबर ऑफ गियर्स के बारे में, तो जी हां फ्रेंड्स 6 गियर वॉश टाइप इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ इस बाइक के माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में, तो माइलेज जो आपको मिलने वाला है वो 40 किलोमीटर पर लीटर अप्रोक्सीमेट देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ इस बाइक की टॉप स्पीड के बारे में, तो टॉप स्पीड जो आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है वो यामा XSR 155 बाइक के अंदर जो मिलने वाली है, लाइक 135 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेट देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस बाइक के लाइक परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस लाइक 0 to 100 जाने में जो समय लग रहा है वो 15 सेकेंड्स का लगने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको डील चेयर एंड ABS देखने को मिलने वाला है, लाइक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। वहीं अगर मैं बात करूँ इस बाइक के सस्पेंशन एंड केचेस के बारे में, लाइक फ्रंट सस्पेंशन जो है आपको इस बाइक के अंदर UHD फॉक्स देखने को मिलने वाला है, रियर सस्पेंशन आपको मोनोशॉक देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इस बाइक के डायमेंशंस एंड वेट के बारे में, जो कि आपको मिलने वाला है सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 810 mm की देखने को मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको मिलने वाला है वो 170 mm का मिलने वाला है। कर्व वेट जो आपको इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाला है वो 134 kg का कर्व वेट देखने को मिलने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो आपको देखने को मिलने वाली है वो 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल फीचर्स के बारे में, लाइक स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, ABS लाइट, फ्यूल गॉज, गियर इंडिकेटर, रिब लिमिट इंडिकेटर, ये सारे के सारे ऑप्शंस इस बाइक के अंदर आपको डिजिटल देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाला है मोबाइल फोन कनेक्टिविटी, लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिससे कि आप अपने पर्सनल एंड्रॉइड फोन को कनेक्ट कर सकते हो। अब गाइस बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, लाइक एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में, किस बाइक के एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहने वाले हैं। तो प्राइस जो रहने वाले हैं 150,000 रुपीज रहने वाले हैं, लाइक 150,000 रुपए इस बाइक के एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाले हैं। और ऑन रोड प्राइस के बारे में आपको पता होगा कि हर जगह के अलग होते हैं, लाइक थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं सेकंड बेस्ट अपकमिंग बाइक के बारे में, जो कि रहने वाली है होंडा की तरफ से। लाइक अगर मैं नाम की बात करूं तो होंडा रिवेल 250 बाइक ये रहने वाली है, लाइक 250 cc में रहने वाली है। तो गाइस ये भी बाइक आपको इंडियन ट्यूनर मार्केट में बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, कन्फर्म हो चुकी है। तो गाइस इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, क्या इंजन पावर मिलने वाली है, लाइक क्या लॉन्चिंग डेट इस बाइक की रहने वाली है, तो गाइस इस बाइक के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इस बाइक के फीचर्स के बारे में जो कि आपको मिलने वाले हैं, लाइक इंजन के बारे में अगर मैं बात करूं, जो कि आपको मिलने वाला है 249 cc बोटर क्यूलेट 4-स्ट्रोक 4-वेल्व सिंगल सिलेंडर फ्यूल सिस्टम जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कंटोनेट फ्यूल इंजेक्शन के साथ देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम पावर के बारे में, जो कि आपको मिलने वाली है 26 hp विद 9500 rpm के साथ देखने को मिलने वाली है। मैक्सिमम टॉर्क जो आपको मिलने वाला है वो 22 nm विद 7750 rpm के साथ देखने को मिलने वाला है। बात करूं मैं इस बाइक की लाइक नंबर ऑफ गियर्स के बारे में, तो इस बाइक के अंदर भी आपको 6 गियर वॉश टाइप ही देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं माइलेज के बारे में इस बाइक की, तो माइलेज जो रहने वाला है वो 26 किलोमीटर पर लीटर अप्रोक्सीमेट देखने को समथिंग आसपास मिलने। वहीं अगर मैं बात करूँ इस बाइक की सस्पेंशन एंड चेचेस के बारे में, तो गाइस चेचेस जो है आपको इस बाइक के अंदर आपको डायमंड का देखने को मिलने वाला है। और फ्रंट सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ वो आपको टेलीस्पोक देखने को मिलने वाला है। रियर सस्पेंशन जो आपको मिलने वाला है स्ट्रिंग ARM का देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन एंड वेट के बारे में, जो कि आपको मिलने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको मिलने वाला है 150 mm का मिलने वाला है। और सीट हाइट जो आपको मिलने वाली है 690 mm की देखने को मिलने वाली है। साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ कर्व वेट के बारे में, तो कर्व वेट जो आपको मिलने वाला है 170 kg का देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो आपको देखने को मिलने वाली है
वो 11 लीटर्स की देखने को मिलने वाली है। अब बात आती है इंस्ट्रूमेंट कंसोल फीचर्स के बारे में, लाइक स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, फ्यूल गैस, गियर इंडिकेटर, ये सारे के सारे ऑप्शंस इस बाइक के अंदर आपको डिजिटली देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको इस बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलने वाली, जिससे कि आप अपने पर्सनल एंड्रॉइड फोन को कनेक्ट कर सकते हो। और आपको इस बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको इस बाइक के अंदर आपको ड्यूल चैनल ABS देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस बाइक जो है काफी ज्यादा मजेदार इंटरेस्टिंग रहने वाली है। गाइस अब बात कर लेते हैं इस बाइक के एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में, लाइक एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड जो प्राइस रहने वाले हैं 1,90,000 रुपीज रहने वाले हैं, लाइक 1,90,000 रुपये रहने वाले हैं। और ऑन रोड प्राइस के बारे में आपको पता होगा कि हर जगह के अलग होते हैं, लाइक थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो गाइज मैंने आपको इस वीडियो में दो बाइकों के बारे में बताया है, लाइक YMAX SR 155 बाइक के बारे में और होंडा रिवेल 250 बाइक के बारे में। ये दोनों ही बाइक इंडियन टू मार्केट में आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं। ये इंडिया की अपकमिंग बाइक रहने वाली हैं जो कि कन्फर्म हो चुकी हैं। तो गाइज आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा बाइक बेस्ट रहने वाली है, कि आप कौन सी बाइक को परचेज करने वाले हैं, कौन सी बाइक के लिए वेट किया जाए। तो ये दोनों ही बाइक इंडियन टू मार्केट में आने वाली है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस बाइक को से लेकर के जितनी भी नॉलेज आपको चाहिए, जैसे भी अपडेट आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं न्यू से न्यू अपडेट इन दोनों बाइक को से लेकर के देता रहूँगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं ऐसी एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा हमारा